ट्विटर पर क्यों ट्रेंड कर रहा है नो वोट टू बीजेपी, लोग क्यों हैं इतने खफा। ट्विटर पर भाजपा का विरोध हो रहा है, नो वोट टू बीजेपी ट्रेंड कर रहा है। इस ट्रेंड के जरिए अपील की जा रही है कि भाजपा को वोट न दें। भाजपा को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में शिकस्त देने की अपील की जा रही है। इस अपील का कारण किसानों को बताया जा रहा है। ट्रेंड में चल रहे ट्वीट्स के जरिए भारतीय जनता पार्टी को किसान विरोधी बताया जा रहा है। कई ट्वीट्स में तो 700 किसानों के मरने का भी जिक्र है, तो कुछ में सरकार को कोसा जा रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर सरकार वक्त रहते या कठिन काम कर लेती तो हमारे इतने लोगों की जान नहीं गई होती। अमित शाह ने की सीएम योगी की तारीफ, कहा योगी ने यूपी को माफियाओं से मुक्त कराया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की और कहा कि उन्होंने 25 साल बाद सही मायने में कानून का शासन स्थापित करके राज्य को माफिया से मुक्त किया है। अमित शाह ने कहा कि माफिया 3 जगहों पर मौजूद है, या तो वे जेल में बंद है, या वे उत्तर प्रदेश से बाहर चले गए हैं, या वे समाजवादी पार्टी के सदस्यों की सूची में है। गोरखपुर शहरी विधानसभा सीट से आदित्यनाथ द्वारा नामांकन दाखिल करने से पहले अमित शाह एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने विशेष रूप से पूर्वांचल क्षेत्र के विकास का विशेष ध्यान रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रशंसा की। मुख्यमंत्री के भतीजे की गिरफ्तारी पर प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, सरकार उनका इस्तेमाल लोगों को धमकाने और विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाने के लिए कर रही है, चुनाव के दौरान इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस बीच चन्नी ने कहा, हमें कानून के अपना काम करने से कोई आपत्ति नहीं है। ईडी ने शुक्रवार को भूपिंदर सिंह हनी को कथित अवैध रेत खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। एनपीपी ने की उम्मीदवारों की घोषणा। मेघालय की सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी, नवगठित कुकी पीपुल्स अलायंस और महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ शिवसेना और एनसीपी ने गुरुवार को मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कॉनराड संगमा के नेतृत्व वाली एनपीपी ने चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की अपनी तीसरी सूची जारी की है।